तो अभी जो है ना खेत में भटकते भटकते देखिए अभी हमको क्या मिला है। पाप देखो उसको फिर हाथ से जोर जोर से दम लगा के खींचना पड़ता है। कैसे खींच रहे हैं देखो, अलग कर रहे हैं चमड़ा और उसको। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो गाइज एक बात सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो थोड़ा सा मेरा व्लॉग्स डिले चल रहे हैं, मेरे व्लॉग्स तो मैं अभी जो घर जाऊंगा ना तो 3-4 दिन तक वीडियोस नहीं डालूंगा ताकि वो मैचअप हो जाए डेट बाय डेट। तो आज है 6 अगस्त और पता आप लोग क्यों मुझसे भाग रहे हो यार, पहले 2500-3000 लोग आ रहे थे, अभी व्यूज कम होते जा रहे हैं। कोई इशू हो रहा है तो आप मुझे बता दो ना प्लीज़, कमेंट में बता दो क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको पूरा मेहनत करूंगा सुधारने की। आप लोग ऐसा छोड़ के जा रहे हो ना अच्छा नहीं लग रहा है, इतना मेहनत कर रहा है आपका भाई फिर भी आप लोग छोड़ के जा रहे हो, ऐसा मत करो प्लीज़, कमेंट में बता दो, मैं सुधार दूंगा उसको, पक्का सुधार दूंगा, प्रॉमिस सुधार दूंगा। तो ठीक है आज अभी जो है ना ये मैंने बाइक निकाला है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने मौसा जी के खेत पे, उनको खाना पहुँचाने के लिए। मेरा भाई रहा है पीछे और यहाँ खाना इसमें टिफिन में पैक है। तो अभी चलते हैं, अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये देखो बारिश हो रहा है, छोटा छोटा टिप 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 हो रहा है चारों तरफ, सुबह से ही मौसम ख़राब है। फाइनली ना मौसा जी के मतलब खेत पे पहुंच चुके हैं, वो देखो वो रहे मौसा जी वहाँ पानी में, कितने कितने घंटे से उस पानी में है यार। इसको पार्ट बोलते हैं, इसी को निकालने के लिए आए हैं। ये जो आप सामने में देख पा रहे हो ना, मैं सामने से दिखाता हूँ, ये जो आप सामने में देख पा रहे हो इसको पार्ट बोलते हैं हमारे इधर, उन्हें संठी वगैरह होता है जो दीपावली में जलाया जाता है वाइट वाइट टाइप का, यही सूखने के बाद वो ऐसा बन जाता है। तो समझो यार वहाँ देखो उनको कितने घंटे से वैसे पानी में, देखो अभी निकले हैं पूरे भींगे हुए हैं मौसा जी, देख पा रहे होगे आप। इनका अपना शॉप भी है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, घर पे ही है, घर पे ही है यार, मैंने वो नहीं दिखाया आपको कल। तो अपना शॉप भी है प्लस पानी का तूफान तो भर ही चुका है चारों तरफ, पानी यहाँ तक आ चुका है जबकि पानी उधर कोने में ही रहता है। तो ठीक है अभी मौसा जी को खाना देने के बाद इनका छोटा भाई है उनको भी खाना देने के लिए आगे जाना है, वो अलग खेत में काम कर रहे हैं, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। और वहाँ दूर कहीं मछली पकड़ने का जाल लगा हुआ है, कुछ लोग बैठ के वहाँ पर जाल लगा के रखे वहाँ बहुत दूर, शायद आपको ना दिख रहा हो। तो ठीक है अभी चलते हैं। तो यही पार्ट जब सूख जाता है ना तो कुछ इस तरह से इसका चमड़ा निकाला जाता है, ये देखो उसके ऊपर का चमड़ा है, उस पैर के ऊपर का चमड़ा, इस तरह से देखो हाथ से रब कर करके वो निकाल रहे हैं, वहाँ आप देख पा रहे होगे, ये देखिए कुछ इस तरह से निकलता है। एक गाछर ऊपर चमड़ा था ना, गाछर ऊपर चमड़ा था, एटा की रोशियो है। तो इसका जो है ना रस्सी वगैरह बनता है, इसका अलग काम है, उसका अलग काम है। अभी ये धूप में फिर सूखेगा तो पूरा एकदम कड़ा कड़ा टाइप का हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, वो देखिए अभी कैसे निकालेंगे, मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ फिर से। नया लिया है इन्होंने फ्रेश वाला, अभी इसका निकालेंगे, ये देखिए उसे लकड़ी से मार रहे हैं ताकि उसका थोड़ा थोड़ा चमड़ा अलग हो जाए उसमें से, वो देख अलग हो रहा है चमड़ा, ये देखिए वो देखिए, इतना इजीली वो लकड़ी अलग हो गया और चमड़ा अलग हो गया, देखने में कितना आसान लग रहा है, जब आप करोगे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, पानी में से खड़े रह के करना इतना भी आसान नहीं है भाई, ये देखो देखो उसको फिर हाथ से। सामने में जो आप खेत देख पा रहे हो, अंदर खेत को कुथा है वहां से लेकर के उधर तक जहां तक आपका नजर जाएगा सब अपने मौसा जी लोग का ही है खेत, बहुत ज्यादा जमीन है इन लोगों का, जहां जहां तक आपका नजर जाएगा वहां वहां तक बस धान ही धान नजर आएगा आपको। ये देखो अभी छोटे छोटे पेड़ है, दूर 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 तक बस धान ही धान है। अभी यहाँ पे एक उधर चल रहा है, ये भी अपना ही मशीन है, और एक अभी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं तेल वेल डाल के, तो अभी देखते हैं स्टार्ट होने के बाद कैसा पानी निकलता है इसमें से। पानी डाला जा रहा है पहले ताकि इसमें पानी का लेवल बन सके, फिर जनरेटर को घुमा करके इसको स्टार्ट किया जाएगा।
देखिए अपना मशीन स्टार्ट हो गया। ओह और पानी झड़झड़ा के निकल चुका है, देखिए पानी का स्पीड जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक ही बार में हमारे अंकल जी ने स्टार्ट कर दिया है इसको बड़े तगड़े स्टाइल में। ओ भाई साहब मुझे बड़ा पसंद है। अगर मेरा तबीयत इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत खराब नहीं होता और अगर बारिश का मौसम नहीं होता ठंडा ठंडा सा तो मैं अभी इसी में नहाता। इसका ट्रायल हो गया, अभी पाइप लग रहा है ताकि खेत तक पानी पहुंच सके। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सगर के पाइप लगा हुआ है दूर खेतों में पानी तक, ये दूर खेतों तक पानी पहुंचाएगा। तब ऐसा ही कुछ सीन बाप, सावन के महीने में नाग देवता का दर्शन। कहाँ मिला भी आपको ही? उधर खेत में, अभी ये खेत में मतलब साइड का मिट्टी को ये कर रहे थे, अचानक से ये मिला। और हम लोग इसको मारने वाने वाले नहीं है ऐसा मत सोचना, इसको बस पकड़ के रखे, अभी इसको छोड़ देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब कोई देख लो बिल्कुल लग रहा महादेव के ही है, डुप्लीकेट नहीं है ऐसा भी मत बोलना। देख लो फुंकार मार रहा है। तो फाइनली हमने इसको छोड़ दिया है, देखो ये जा रहा है, जा रहा है और चले गया। एक दो लोग मारने के लिए भी बोल रहे थे लेकिन ऐसा नहीं है यार, इसको मारने वाले नहीं है हम, नाग देवता को कैसे मार सकते हैं। तो फाइनली अभी बज रहे हैं रात के 8:15 और दिन में है ना वहाँ पे मेरा फोन का बैटरी डेड हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं सीधा चले और सो गया था। और बारिश होने लगा इतना ना कि मैंने आपको कल बोला था ना कि मैं आपको नाव का सफर करवाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन बारिश की वजह से हम नाव का सफर नहीं कर पाए। तो मैंने आपको बताया था ना अपना मौसा जी का दुकान मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी मैं आपको दुकान दिखाता हूँ उनका, ठीक है? और शायद कल अपन निकल जाएंगे यहाँ से, थोड़ा सा रेस्ट मुझे करना था तो मैंने कर लिया, तबीयत वगैरह भी ठीक हो गया है। तो अभी आपको, चलिए आपको दुकान दिखाता हूँ। ठीक है, सामने में मौसा जी बैठे हुए हैं और अपना डायरी हिसाब वगैरह देख रहे हैं। उधर कल मैं आपको इनका पूरा घर दिखा दूंगा, सॉरी मैंने आपको इनका पूरा घर नहीं दिखाया, उधर पूरा घर है बहुत बड़ा सा है और ये इधर अलग से इन्होंने दुकान बना रखा है, घर में ही है कहीं बाहर नहीं है। और ये सामने में ऐसे कुछ है ये जो आप देख पा रहे हो सामने में, ये रहा पूरा का पूरा दुकान, कपड़े जूते वगैरह सब कुछ मिलते हैं दुकान पे, ठीक है? और वहाँ मेरा भाई बैठा है, देखो दुकानदारी कर रहा है, दुकानदार बन रहा है, अभी ट्रेनिंग ले रहा है दुकानदार बनने की। दांत दिखा अपने, दांत दिखा दांत सड़ चुके हैं पूरे के पूरे। तो ऐसा ही है यहाँ पे, और भी ऐसे करके मार्केट हैं बहुत सारे एक लाइन से। पहले गांव थोड़ा सा ये था लेकिन अभी पूरा डेवलप हो चुका है, पूरा पहले के मुकाबले, मतलब पहले तो इतना दुकान वगैरह कुछ था ही नहीं, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों में गांव पूरा डेवलप हो गया है, रास्ते वगैरह भी बन गए हैं, पहले रास्ते भी बड़े टूटे फूटे से थे। अभी लाइट जला दिया इसने, अभी आप बढ़िया से देखो, गांव में ऐसा ही दुकान होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर, सब जगह कस्टमर के हिसाब से ही सब कुछ होता है ना, तो यहाँ पे भी कस्टमर के हिसाब से ही दुकान बनाया गया है, जैसा कस्टमर वैसा दुकान। और उधर भी ऐसे छोटे मोटे मार्केट हैं, यहाँ पे सब समय मार्केट नहीं खुला रहता, कभी कभी दिन में बंद भी हो जाते हैं। उधर भी एक छोटा सा दुकान है। और यहाँ का सबसे एक इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, कपड़ा खरीदने वाला कस्टमर एक होगा, वहाँ पे देखने वाले कम से कम 10 बैठे होते हैं जो उनको ओपिनियन देते रहते हैं कि आप कपड़ा में ये है कपड़ा में वो है, खरीदार एक होगा लेकिन दर्शक 10 रहते हैं 15 रहते हैं। बड़ा मजा आता है मुझे ये देखने में, बड़ा तगड़ा लगता है। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में अपना डिनर विनर करेंगे और फिर वीडियो को खत्म करते हैं।